हेलो एंड वेलकम टू रियल क्विक एनालिसिस चैनल। तो चलिए आज एक और नए टॉपिक पर हम करते हैं अपना रियल एनालिसिस। हाल ही में मोदी सरकार ने 18,100 करोड़ की प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम का ऐलान किया है, जिसके तहत भारत में लिथियम आयन बैटरी के प्रोडक्शन के लिए सरकार सब्सिडी मुहैया करवाएगी। लेकिन यहाँ पर दिक्कत यह है कि भारत में लिथियम के भंडार पर्याप्त मात्रा में नहीं है। लिथियम हो या लिथियम आयन बैटरी हो, दोनों के इंपोर्ट के लिए हम हमेशा चीन पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। इसलिए यह सवाल हमारे सामने खड़ा रहता है कि लिथियम आयन बैटरी के लिए लिथियम की सप्लाई कैसे सुनिश्चित की जाए। शायद आपको जानकारी हो, अर्जेंटीना, बोलिविया और चिली मिलकर बनाते हैं लिथियम ट्राइंगल, जिसका मतलब यह है कि इन तीनों देशों में लिथियम के भंडार भर भर के हैं। और दुनिया में लिथियम का उत्पादन करने वाले देशों की सूची में अर्जेंटीना टॉप 5 देशों में शामिल है। और जब अनुमान लगाया गया तो पता चला कि अर्जेंटीना के लिथियम को भारत में लेकर आने की कॉस्ट सबको मिलाकर भी यह एक मुनाफे का सौदा साबित होगा। अब आपको लग सकता है कि हम क्या अर्जेंटीना को चने के झाड़ पर चढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना जरूरी है कि लिथियम ट्राइंगल से जुड़ने के मामले में हम चीन से पिछड़ चुके हैं। लिथियम ट्राइंगल के तीन देशों के साथ चीन की सरकारी कंपनियों ने पहले ही सस्ती दरों और सुविधाओं के साथ लिथियम खरीदने के लिए करार कर लिया है। दूसरे शब्दों में, यदि भारत अर्जेंटीना के साथ डील नहीं करेगा तो अर्जेंटीना से लिथियम निकालकर चीन भारतीय बाजार में हमेशा लिथियम आयन बैटरी डंप करता रहेगा। इससे पहले कि चिड़िया खेत चुक जाए, आज भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से अर्जेंटीना के साथ किए जाने वाले एग्रीमेंट को अप्रूवल दे दिया है, जिसके अंतर्गत भारतीय एनर्जी सिक्योरिटी गोल्स को ध्यान में रखते हुए दोनों देश मिलकर ज्वाइंट वेंचर का गठन करेंगे, ताकि स्ट्रेटेजिक मिनरल्स की खोज और दोहन के क्षेत्र में दोनों देश साथ मिलकर चल सकें। कहने की जरूरत नहीं है, अर्जेंटीना के साथ अभी इस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया जाना बाकी है। लेकिन जैसा कि समझ आ रहा है, इस एग्रीमेंट से दोनों देशों का भला होने वाला है। वैसे भी साल 2018 में अर्जेंटीना ने आधिकारिक रूप से भारत सरकार को इनविटेशन भी दिया था कि भारतीय कंपनियां अर्जेंटीना की लिथियम माइंस में निवेश कर सकती हैं। मतलब साफ है, भारत की बढ़ती हुई लिथियम डिमांड अर्जेंटीना को साफ साफ दिखाई दे रही है और उसे इस फील्ड में भारतीय निवेश की जरूरत है। इस अवसर को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में स्थापना की गई थी काबिल की, जिसका फुल फॉर्म है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, जो कि नालको, MECI और हिंदुस्तान कॉपर जैसे PSU कंपनियों का एक ज्वाइंट वेंचर है। काबिल का मुख्य उद्देश्य है कि दुनिया भर में स्ट्रेटेजिक मिनरल्स असेट्स की खोज करना, उन्हें खरीदना और बाद में उनका दोहन करना, ताकि स्ट्रेटेजिक मिनरल्स जैसे कि लिथियम और कोबाल्ट के लिए भारत की रिसोर्स सिक्योरिटी सुनिश्चित की जा सके। सरल शब्दों में, जिन खनिज पदार्थों की दुनिया में कमी है लेकिन उनका महत्व तेजी से बढ़ता चला जा रहा है, उनकी सप्लाई के लिए भारत दूसरे देशों पर, खासतौर पर दुश्मनों पर डिपेंडेंट नहीं हो सकता है। इसलिए अपने देश में तो इन स्ट्रेटेजिक मिनरल की खोज और दोहन चलता रहेगा, लेकिन साथ में दुनिया के जिस किसी भी हिस्से में इनके भंडार हैं, वहीं जाकर खोज और दोहन चालू किया जाए। इसी एक लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए काबिल ने जन्म लिया था। और पिछले साल जुलाई महीने में अर्जेंटीना की सरकारी कंपनी और काबिल के बीच एग्रीमेंट भी फाइनल हो गया था, जिसके तहत लिथियम की खोज, दोहन और उत्पादन के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने पर सहमति बन गई। इस प्रकार साफ हो जाता है कि आज मोदी कैबिनेट ने जो कदम उठाया वह कोई अचानक से नहीं हुआ है, बल्कि इसके पीछे पूरा ग्राउंड वर्क किया गया है। भारतीय कंपनी काबिल और अर्जेंटीना के बीच हुए शुरुआती समझौते को अब दोनों देशों की सरकारों के बीच स्थायी और विस्तृत समझौते में तब्दील किया जा रहा है और हम इसका स्वागत करते हैं। यही बात मोदी जी की हमें सबसे अच्छी लगती है, जबकि पप्पू पुजारियों और मीडिया ने इस कोशिश में जमीन आसमान तक एक कर दिया कि किसी तरह चारों तरफ से हमला करके मोदी सरकार को अभिमन्यु की मौत मार दिया जाए। लेकिन इस चक्रव्यूह में फंसे होने के बावजूद मोदी जी आगे बढ़ने का रास्ता निकाल ही रहे हैं, इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का एनालिसिस। आई होप आपको आज का टॉपिक और हमारा वीडियो दोनों पसंद आया हो।
और यदि आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए और अब आप हमारे चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।